नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप सीधे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरी फेसबुक जो इधर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसे फेसबुक पर सीधे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो आपने 19 अगस्त को जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसको देने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होंगे कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर नहीं आएंगे, तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। लेकिन उसका भी डाउट क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि 23 अगस्त को बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और आपने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आरएचएस की वेबसाइट पे जाके अपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना फॉर्म नंबर डाल के, अपना नाम डाल के आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। अगर आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कितने नंबरों पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा अवश्य। तो इस तरह की टेंशन आप अपने दिमाग में से हटा दीजिए, क्योंकि वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने नंबरों पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके आरएचएस में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 70 मार्क्स आए, यानी कि 70 नंबर से अबाव नंबर है, तो श्योर है कि आपको एसएमएस, जो जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको। लेकिन आपके नंबर 70 से अबाव होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 65 मार्क्स या फिर ऑलमोस्ट 64 या 65 के समथिंग आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये जो SMS मेडिकल कॉलेज है प्योर गवर्नमेंट है दोस्तों, ये इसमें फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगती, जबकि अदर कॉलेज राजस्थान के उसमें फीस लगती है। अगर दोस्तों आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए अभी आपको छूट मिलेगी उसका। अगर आप ओबीसी या जनरल में हो फिर भी आपको 65 नंबर आए तब भी आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। हाँ, हालांकि कट ऑफ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस साल जो पेपर आया था वो बहुत हार्ड था दोस्तों। मैंने भी देखा था, गए साल से भी जो पिछले साल जो पेपर था उनसे बहुत हार्ड था ये पेपर। और जो एग्ज़ाम दिया था वो 8883 कैंडिडेट्स ने दिया था, जबकि अप्लाई 12,000 तक हुए थे। अब एसएमएस के अलावा अदर कॉलेजों की बात करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर, बीकानेर का हो गया, अलवर का हो गया, झालावाड़ का हो गया, इनमें आपका नंबर कब आएगा? तो दोस्तों आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे, जो पार्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होगी, अभी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कितने मार्क्स चाहिए एसएमएस के अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपके आरएचएस में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें होने चाहिए आपके 55 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तब आपको इन जो राजस्थान की अदर कॉलेज है इनमें से आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एसएमएस को छोड़ के। और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 45 मार्क्स तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एसएमएस को छोड़ के। दोस्तों मैंने आपको इनके बारे में बताया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किस प्रकार का सवाल है आपके मन में, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपका मैसेज जैसे ही पढ़ूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे ही आपका कमेंट मेरे पास पहुँचेगा मैं आंसर देने के लिए तैयार होऊंगा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है टेक्निकल खराबी के कारण आपका जो कमेंट है बहुत सी बार पहुँच नहीं पाता। तो आप एक दो बार ट्राई करना, जैसे ही मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो बात कर लेते हैं, चलो फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों एसएमएस जो जयपुर का मेडिकल कॉलेज है इसमें बीएससी नर्सिंग निशुल्क होती है, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो निशुल्क होती है।
और उसमें तो पैकेज भी लागू हो गया और दोस्तों इसमें सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके अलावा जो अदर कॉलेज जैसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर का हो गया, झालावाड़ का हो गया, इधर अलवर का हो गया, बीकानेर का हो गया, तो इसमें जनरल और ओबीसी की जो फीस है उस वो है 51,000 यानी कि 51,000 रुपये। और जो SC ST के कैंडिडेट है उनकी फीस है 21,000 रुपये। और ये अदर कॉलेज जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में लड़कियों की फीस है वो है 21,000। लेकिन जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी स्कॉलरशिप वापस मिल जाती है उनको, जबकि OBC और जनरल वालों को शायद क्या बिल्कुल ही नहीं मिलती स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। दोस्तों इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। और हाँ, आप सीधे मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। ओके दोस्तों, हाँ अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपका ही फायदा है, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी उसकी हर बात मैं आपको बताता रहूँगा, कितने नंबर पे होगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी, सब बातें मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, इसे समझो। चैनल सब्सक्राइब करते हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसमें आप ही का ही फायदा है और मेरा भी जो है प्रमोट होता है और मेरे को प्राउड फील होता है थोड़ा, क्योंकि दोस्तों जो मैं हूँ वो मैं आपका सीनियर ही हूँ और आप मेरे जूनियर ही हो। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।